भाई जिसको काला कुत्ता चाहिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा कम से कम 14 किलोमीटर तो पैदल आना पड़ेगा। मुश्किल यही है ना, 14 किलोमीटर आना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता तो बहुत प्यारा है ये। जी हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम्प्टी डॉग हाउस में। मैं हूँ शैलेंद्र सकलानी और आज मैं पहुँचा हूँ उत्तराखंड के एक गाँव में जहाँ पे लोगों का जो पारंपरिक व्यवसाय है वो भेड़ पालन है। तो मैं सेफर्ड लोगों के गाँव में पहुँचा हूँ और लोगों के पास होते हैं भारत के सबसे बढ़िया गद्दी और भोटिया कुत्ते। तो मेरे हाथ में ये दो आप देख रहे होंगे, एक सफेदू है और एक कालू है। तो दोनों ये है भोटिया कुत्ते हैं यहाँ के, और इनके बारे में मैं अमूमन बात करता हूँ कि ये क्या है कैसे हैं, थोड़ा जानेंगे जो इनके मालकिन है यहाँ पे उनसे पूछेंगे हम कि ये लोग कैसे देते हैं, इन कुत्तों का क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं इनसे। तो ये आप देखेंगे ये वाइट कलर का है, एकदम वाइट नहीं ये क्रीम कलर का है, बढ़िया सा 22 नाखून लग रहे हैं इसके। इधर इधर इधर, हाँ थोड़ा परेशान हो, नहीं बेटा परेशान क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो वाइट वाला कुत्ता है ये भोटिया और बाण गद्दी का मिक्सिंग है, क्योंकि इसके चेहरे पे आगे हल्के हल्के बाल हैं और ये ओरिजिनल बाण गद्दी भी नहीं है, ये दोनों का मिक्सअप हो गया है इसलिए ये ऐसा है। खैर बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत अच्छा बनेगा। और इसके साथ में ही हमारे पास एक कालू है, और कालू के भी कालू तो 18 नाखून का है, तो ये कालू है। अब जिनके ये कुत्ते हैं दीदी, हाँ। थोड़ा इधर आओ ना, बताओ ना आपके हैं ये, हाँ। इधर आओ थोड़ा, यहाँ पे आओ ना, अरे यार हमारा, चल कोई नहीं है, ऐसे ऐसे इधर 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 देख लो, थोड़ा सा इसमें देख लो एक बार, ये आपका है, हाँ। आप बेचते भी इनको, हाँ। कितने में बेचोगे? 2-3 हजार, 4। अच्छा ऐसे बेचते, हाँ। हैं, तो कहाँ से आते हैं लोग लेने के लिए इनको? नीचे से। नीचे से आते हैं, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, कुत्ता तो ठीक ही लग रहा है ये, एकदम काला है भाई, जिसको काला कुत्ता चाहिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा कम से कम 14 किलोमीटर तो पैदल आना पड़ेगा। मुश्किल यही है ना, 14 किलोमीटर आना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता तो बहुत प्यारा है ये। जी हाँ, तो अगर आपको चाहिए उत्तरकाशी जनपद के ओसला गाँव में आना, हरिकी दून वैली है, साकरी से आप तालुका पहुँचते हैं, तालुका से लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप इस गांव में पहुँचते हैं, और उसके बाद आपको ऐसे शानदार जानदार भोटिया कुत्ते देखने के लिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।